गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मैंने मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक या 1 वीक हुआ रहेगा मैंने वीडियोस कुछ भी डाले नहीं थे अपने चैनल पे। तो आज मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ वो माइक का डालने वाला हूँ, जो कि है बोया की तरफ से। टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये माइक का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ये वीडियो के एंड में आपको इसका परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना गवा के अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, तो चलो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये मैंने बोया था जो माइक होता है उसका, मैं बोया को जो मॉडल नंबर है जो माइक का, वो मैं इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और इधर साइड में कहीं पे डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा मॉडल है। तो ये बोया का मैं माइक अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये माइक मैं अपने फ़ोन को या DSLR को अटैच करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। काफ़ी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला कि तू जो रिकॉर्ड करता है उसमें साउंड का थोड़ा इश्यू है, तो मैं जेनेरिक माइक लेवलियर माइक यूज़ करता था। तो अभी मैं आगे से ये माइक से शूट करने वाला हूँ। इसके लिए ये मैंने लिया है, ये मुझे 1750 में मिला है। जनरली ये 1900-1800 ऐसे आता है, कभी 2000 तक भी जाता है। अभी जब भी मैंने ये देखा तो इसका प्राइस 1750 था, तो मैंने अमेजोन से परचेस किया। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर बिल है, इसका बिल भी मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसको साइड में रख देते हैं। जो बिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखो 1750 बोया MM1। ये जो माइक है ये मैंने परचेस किया है। चलो बिल को साइड में रखते हैं, बॉक्स को देख लेते हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसे दिखता है इसका बॉक्स। इसमें ये बारकोड है, इसको स्क्रैच करके आप वेबसाइट पर जाके उसका जो ओरिजिनलिटी है वो चेक कर सकते हैं। अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने लेवलियर माइक लगा के अपने फ़ोन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं कैसे आ रहा है, और उसके बाद में जब मैं ये माइक लगाऊंगा तो उसका क्वालिटी भी आप देख लो। ये देखो, ये सामने से कुछ ऐसे दिखता है, ऊपर बोया लिखा हुआ है, उसके आगे इसका मॉडल नंबर BY MM1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर यूनिवर्सल कार्डियोड माइक लिखा हुआ है। ये देखो, ये इसका ऊपर डेट कैड आता है, ये माइक यूनिट है, ये इसका कोल्ड शू माउंट जैसा है, कोल्ड शू पे माउंट करने के लिए दिया हुआ है, इसका वायर है, ये कॉम्पैक्टेबल लैपटॉप टैबलेट्स और मोबाइल्स पे है, DSLR से कैमकॉर्डर पे मोबाइल्स पे सब पे ये अटैच हो सकता है। साइड में इसमें लिखा है सेम चीज़ जो आगे लिखा था, ऊपर से कुछ बार कोड वगैरह है, ये साइड में भी सेम चीज़ है। अब इसके अंदर फीचर्स देखो, रगेड मेटल कंस्ट्रक्शन है, नो बैटरी, बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोफेशनली फ्लरी विंडशील्ड इंक्लूडेड बताया हुआ है। देखो, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जब माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेवलियर माइक से, तो आजू बाजू का आवाज़ कितना आ रहा है, और फिर बाद में इसके आगे जो ये वीडियो के बाद में जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, मतलब ये जो अनबॉक्सिंग है इसके बाद में जो भी वीडियो आएंगे उसका जो अनबॉक्सिंग का मैं वॉइस ओवर दूंगा वो यही माइक से देने वाला हूँ, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अभी जो माइक यूज़ कर रहा हूँ लेवल माइक है, इसका आप साउंड देख लेना। मैं बीच बीच में थोड़ा साइलेंट भी रहूँगा तो आपको पता चलेगा सराउंडिंग का साउंड कैसे आ रहा है। तो ये देखो, इसमें बाकी सारे फ्रिक्वेंसी वगैरह लिखे हुए हैं, ये अगर आपको समझता है आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस देखे, तो उसमें मेरे को रोड के माइक्स के बारे में पता चला कि वो सही रहता है, सबसे सही रहता है, पर वो काफ़ी महंगा आता है, इसकी वजह से मैंने ये चूज़ किया। ये थोड़ा चीप में आता है, मतलब थोड़ा सस्ता है, ये भी इतना भी सस्ता नहीं है, ठीक है, फिर भी उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। देखो, इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया, इसके अंदर कुछ बुकलेट्स वगैरह वो भी निकाल लेता हूँ, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। ये देखो, ये कुछ बुकलेट है,
इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फीचर्स वगैरह लिखा हुआ है, इसको कैसे अटैच वगैरह करने का वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। आप ये बेशक देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये मैं मेरे DSLR को कनेक्ट करके भी आपको वॉइस क्वालिटी सुना दूंगा और मेरे मोबाइल को कनेक्ट करके भी सुना दूंगा। ये वारंटी कार्ड है, ये सिलिका जेल है, तो ये देखो ये कोल्डशू माउंट है। ये आप स्क्रू के ऊपर भी लगा सकते हो और कोल्डशू माउंट पे भी लगा सकते हो। इसके अंदर माइक जाएगा। ये अलग अलग वायर्स है, ये स्मार्टफोन के लिए है। देखो इधर लिखा हुआ है स्मार्टफोन। ये माइक्रोफोन में जाएगा, मतलब इसमें जाएगा। ये भी ऐसे ही कुछ है, इसमें तीन है, इसमें दो ही है। इसमें ये कैरिंग पाउच भी है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। बोया लिखा हुआ है। मेन यूनिट देख लेते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है मटेरियल। ओके, रबर जैसा है कुछ, इसमें अटकता है और ये कुछ ऐसे दिखता है। थोड़ा वेट है इसको, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। काफी अच्छे से बैठ जाता है ये, तो चलिए इसको मैं अटैच करता हूँ और आपको इसका वॉइस क्वालिटी सुना देता हूँ कैसा है। तो इसके आगे का जो ऑडियो आप सुनेंगे वो इससे सुनेंगे। तो ओके गाइस, तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो मैंने बोया को जो माइक लिया अभी अनबॉक्स जो किया उसके थ्रू सुन रहे हैं। ठीक है, आप मेरे को बता देना कि वॉइस क्वालिटी कैसा है। मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ी टाइम के लिए साइलेंट रह जाता हूँ, तो आपको सराउंडिंग का साउंड पता चल जाएगा कितना इसमें कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि इसका कितना ये नॉइस कैंसिल कर लेता है। अभी मेरा जो सीलिंग फ़ैन है वो चालू है स्लो स्पीड पे, और मैंने जो मेरा विंडो है वो भी ओपन रखा है और नीचे थोड़े बहुत बच्चे खेल रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा आया होगा कि इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो कैसा है और आपको मेरा साउंड कैसे आ रहा है उसके ऊपर। आपको अभी मेरे को भी ये वीडियो बनाने के टाइम पता नहीं है कि इसका साउंड कैसे आ रहा है। देखो ये मैंने ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि इसका साउंड कैसे आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका साउंड जो है वो मैं इससे रिकॉर्ड करूंगा। देखो मैं दूर जाके भी बात करता हूँ तो देखो आपको कैसा साउंड आ रहा है, और पास आने के बाद भी कैसा साउंड आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना, करके बताना आपको क्या पसंद आया, और कुछ आपको इस माइक के बारे में पूछना है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन दबाओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरा मिल जाएगा जैसे भी मैं नया वीडियो डाल दूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।